हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की कार्यशैली से प्रभावित होकर नूह जिला से आए कई गांव के सरपंचों और अन्य लोगों ने बीजेपी का दामन थामा और उनका आशीर्वाद लिया। मंत्री विज ने सभी का पटके पहनाकर उनका पार्टी में स्वागत किया और उनके समाज हित के बेहतर कार्य करने का आह्वान किया। तौफीक हिंगनपुर जिला मेवात नूह हल्का पुनाना से जो हमारे गाँव से सरपंच चुने गए हैं, अभी नए सरपंच हैं, ख्वाजली कला से, रहपुआ से, हिंगनपुर से, लाहावास से, फलेंडी से, काटपुरी से, काफ़ी सरपंच हैं आपके सामने हैं सारे सरपंच और सभी ने आके, क्योंकि माननीय गृह मंत्री साहब की जो नीतियाँ थी पहले ही से, पहले भी यहाँ पे मेरे साथ 100-150 आदमी आए थे जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और अब मेवात में काफ़ी तेज़ी से माननीय गृह मंत्री जी के जो विचार हैं और जो उनके। कैथल में किसानों ने सरकार द्वारा जारी चिराग योजना और नई शिक्षा नीति के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज चंद बड़े घरानों को छोड़कर जनता का हर वर्ग सरकार की जनविरोधी नीति, शिक्षा विरोधी महकमे बंद करने की नीति और महंगाई आदि नीति से परेशान है। धरने पर इसलिए बैठे हैं कि जो चिराग योजना है उसका हम विरोध कर रहे हैं। ये चिराग जो योजना है ये आम आदमी का, गरीब आदमी का हक की नहीं है। बच्चे हमारे अनपढ़ रहेंगे। सरकार ने जो हरियाणा सरकार ने जो अभी जो ये बात लागू करी है कि लगभग 5,000 स्कूलों को बंद कर दिया गया और उन स्कूलों में भी जो मिडिल स्कूल हैं बच्चियों के, कन्याओं के, उनको मुख्य रूप से मर्द के नाम के बंद। भिवानी में गुरु नानक देव जी का 553वां प्रकाश बड़ी धूमधाम से श्रद्धा के साथ मनाया गया। रागी जत्थे ने गुरु वाणी के माध्यम से संगत को गुरु जी से जोड़ने का प्रयास किया। गुरुद्वारे में लोगों ने जहां कीर्तन में हिस्सा लिया, वहीं दूसरी ओर लंगर का भी आयोजन किया। इससे पूर्व गुरुद्वारा सिंह सभा में अखंड पाठ का भोग डाला गया। जी का जन्मदिवस भिवानी शहर में धूमधाम से मनाया गया, जिसमें लंगर की व्यवस्था की गई, भजन कीर्तन की व्यवस्था की गई और दो दिन पहले नगर कीर्तन और हमारी मंडलियां जगह जगह टोली बना के और वे गए। उससे समाज के अंदर एक अच्छा संदेश जाता है कि जिस गुरु जी ने सभी धर्मों को साथ लेके चलने का काम किया वो गुरु देव जी का आज 553वां साला है। और वहीं भिवानी की अंबेडकर कॉलोनी में मकान की छत पक्की करते समय छत गिर गई। छत गिरने की वजह से राजमिस्त्री और मजदूर घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राम कुमार नाम है, पिताजी मेरे सुबह सुबह काम पे गए थे तो अभी कितनी चोट लगी है? चलिए अब रुक करते भिवानी की अगली खबर का, और जहां सीआईए पुलिस ने बस स्टैंड से पर्स और 1,00,000 रुपए चोरी करने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, तो वहीं पुलिस ने आरोपियों को रिमांड पर लेकर 45,000 रुपए बरामद किए हैं। सत्य सटीक बेबाक